नमस्कार, मेरा नाम सुधाकर द्विवेदी, आपको मैं स्वागत करता हूँ। आज हम एक आयुष जैन जी थे, वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थे कि उनकी गाड़ी में जो म्यूजिक सिस्टम है उसमें एक्चुअल में ब्लूटूथ नहीं आता। आपने ध्यान दिया होगा कि 2014 से और 2017 तक मान सकते हैं कि उसमें ब्लूटूथ नहीं आया था, उसमें सिर्फ USB और ऑक्स आता था। तो मैंने एक वीडियो में दिखाया था कि मैंने उसमें ब्लूटूथ डिवाइस इंस्टॉल किया है, तो काफ़ी बार बार पूछ रहे थे कि इसको बताइए कि कैसे इंस्टॉल किया है। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे, और साथ में आपके पास बुलेरो नहीं भी है, आपकी पुरानी डिवाइस है जिसमें सिर्फ आप USB लगाते थे, उस पर भी आप ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। और एक चीज़ और बता दूँ मैं, इसके फ़ायदे और नुकसान दोनों बताऊँगा, साथ में क्या प्राइस है उसके बारे में भी बताऊँगा। आइए आगे चल के अपनी गाड़ी में चलते हैं और उसके बारे में जानते हैं। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, इस डिवाइस की कीमत लगभग 200 रुपये होती है। आप इससे ये बोल सकते हैं प्रीमियम में जाएंगे तो थोड़ा सा मेरे ख्याल से 100-200 रुपये एक्स्ट्रा लगेगा, ये है तो सस्ता। और एक चीज़ और बता दूं कि मेरी इस गाड़ी में, मैं आपको खैर बाद में जाके आपको दिखाऊंगा, इसको जब कनेक्ट करते हैं USB से ना तो भरभराहट सी आवाज़ आती है, पर इसका आउटपुट ऑक्स की अपेक्षा और आपकी जो पेन ड्राइव लगाने की अपेक्षा उससे ज़्यादा है। मेरी वाली में तो ये अच्छा है कि ब्लूटूथ जो स्पीड वो लगभग सेम ही है, मतलब डिले नहीं है। डिले का मतलब ये क्या कि जैसे आप वीडियो देख रहे हो मेरा और मैं बोल चुकूँ फिर उसके बाद कुछ आवाज़ आए, उसका मतलब डिले होता है। इसमें डिले की प्रॉब्लम नहीं है, मतलब स्पीड इस ब्लूटूथ की अच्छी खासी, बस वही भरभराहट की प्रॉब्लम आती है। और कनेक्ट भी इजी ही हो जाता है, आपको बहुत सारे सिस्टम नहीं यूज करने पड़ते, और साथ में आपको ये भी प्रॉब्लम नहीं होती जैसे आजकल की जो न्यू डिवाइस गाड़ियों में आती है उनमें क्या होता है कि जब ब्लूटूथ मेमोरी भर जाती है तो फिर आपको क्या करना पड़ता है, डिलीट करना पड़ता है। इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो जो भरभराहट की मैं आपको बात बता रहा हूँ, ये एक्चुअल में मेरे ही दोस्त की गाड़ी डिज़ायर है, उसमें यही ब्लूटूथ डोंगल लगा हुआ है, पर उसके में भरभराहट की आवाज़ नहीं है, शायद ये सिस्टम के कारण हो। और दूसरी चीज़ ये बताऊँ कि वो मेरे से करीब 5-6 महीने पहले लिया हुआ था, तो उसके में थोड़ा सा ब्लूटूथ स्पीड कम है जिससे आवाज़ डिले हो जाए। मैं अभी अमेजन पे देख रहा था तो इसकी कीमत 240 के आसपास है, अगर आपको लेना हो तो उस पे जाके आप देख सकते हैं, वो सेम यही चीज़ है, आपको लेना हो तो वहाँ से ले सकते हैं, नहीं तो आप अगर लेना चाहते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पे चाहिए, जो मोबाइल एक्सेसरीज की दुकान होती हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स की, वहाँ पे आप कोशिश कीजिए कि उनसे पूछिए कि भाई साहब आपके पास ब्लूटूथ डोंगल है क्या, तो अगर होगा तो वो आपको दे देंगे। अगर आपके आसपास नहीं मिलता है तो मैं अमेजन का लिंक दे दूंगा, आप वहां से भी जाके परचेज कर सकते हैं। ये USB ड्राइव है जिसमें आप पेन ड्राइव फंसाते हैं, या इसमें मैंने ब्लूटूथ कनेक्ट किया। अब आप बोलेंगे कि मैंने इसको इतनी अच्छी तरह से पेस्ट क्यों किया है, तो अगर कहा जाए कि मैंने इसको पेस्ट क्यों किया है, एक्चुअल में जब पेन ड्राइव आप लगाते हैं ना तो थोड़ी सी ढीली पड़ जाती है, जब ये ढीली पड़ जाती है तो कभी कनेक्शन हटता है, कभी जोड़ता है, कभी कनेक्शन हटता है, उससे आपको प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए मैंने इसको इस तरह से जोड़ दिया है कि बाद में दिक्कत ना हो। और भी मैंने इसमें चेंजेस किए हैं, वो मैं आपको आगे जाके दिखाऊंगा। पहले सबसे पहले हम कोशिश ये करेंगे कि इसको निकालें और फिर टेस्ट करें। ये अपना डिवाइस है, आपको दिख रहा होगा ये USB के लिए होता है, और ये जो है ये अपना ब्लूटूथ है, बात समझिएगा, ये ब्लूटूथ है, ये एक्चुअल में इसके अंदर था। ये देखिए, ये इसके अंदर डिवाइस लगा हुआ था, तो मैंने क्या किया कि इसको निकाल दिया। क्या होता था ना कि जब इसको मैं कोशिश करता था कि मैं इसमें लगाऊं ना, तो ये बार बार मेरे से ढीला हो जाता था, या फिर किसी वजह से ये ढीला हो जाता था। ये एक्चुअल में ऐसे ही फिट हो जाता है, जब आप लगाते हैं ये ऐसे ही फिट हो जाता है, अगर आप देख सके तो मैंने इसको निकाल दिया क्योंकि ये बार बार हिलता था। आप अभी भी देख सकते हैं, ये देखिए इसमें काफ़ी ज़्यादा प्ले है, तो मैंने इसको हटा दिया कि भाई इसमें प्ले है तो इसको हटा देता हूँ। थोड़ा सा मेरे पास आयरन सोल्डरिंग थोड़ा सा हम कर सकते थे, इसलिए हमने कर दिया। आपको कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है, आप बस इसको ऐसे, आप इसको ऐसे लगा के भी ऐसे थोड़े देर तक सेट करे रह सकते हैं, आपको ज़्यादा बढ़िया रहेगा। साथ में इसको अच्छे से फिट करे रहें तो वो बढ़िया रहता है। मैंने इसको कुछ नहीं किया है, जहाँ पे जो चीज़ सेलेक्ट होती है उसको नीचे से आप देखेंगे तो मैंने सोल्डर कर दिया है, तो मेरी झंझट खत्म हो गई थी। आप ऐसा भी ना करें तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसको आपको हमेशा कोशिश ये करना है कि इसके ऊपर आगे टेप लगाएं, देन फिर इसके ऊपर टेप लगाएं, और फिर इसको अच्छे से पैक कर दें
और फिर आप इसका यूज कर सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखाऊं, ये जब आपका प्रॉपर कनेक्शन होगा तो आपकी लाइट जलेगी। ये देखिए, ये आपको लाइट ब्लिंक कर रही है, ये पूरा अच्छी तरह से कनेक्ट हो गया है। ये देखिए, अभी ये आवाज आ रही है, ये अभी ये कनेक्ट हो गया है। मेरे पास अभी कोई मोबाइल नहीं है, मैं आपको रुक जाइए, मैं आपको सुनाता हूँ। ये देखिए बीटी डोंगल करके आया, आप इसको मात्र कनेक्ट करना है। ये पेयर कर दिया आपने, देखिए आपको इसमें हल्की सी भरभराहट की आवाज आती होगी, ये देख रहे हैं आप। आपको इसको हल्की सी, जब आप गाना चलाएंगे ना थोड़ा सा कम हो जाएगा, जैसे अभी ये कम हो गया। अब थोड़ा सा मैं सैंपल आपको लगा के दिखाता हूँ, क्योंकि मैंने वूफर लगाया हुआ है, मैं उसको भी चालू कर दूं। ये देखिए, आपको डिस्ट्रैक्शन हल्का सा महसूस होगा। हम कॉपीराइट ना लगे इसके चक्कर में हम अपना ही वीडियो चलाएंगे। सॉरी, मेरा माइक बंद हो गया है, तो थोड़ी सी आवाज की डिस्ट्रैक्शन होगी, तो उसके लिए मेरे को माफ कर दीजिएगा। ये चैनल आपको दिख रहा है, अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो बहुत बहुत धन्यवाद, लाइक किया है तो बहुत बहुत धन्यवाद। इस पे हम क्लिक करेंगे, एक वीडियो कोई सा भी देख लेते हैं, कि छोटा वीडियो देखेंगे जिससे इसका वो ना घटे। कहिए ये, बहुत सा छोटा सा वीडियो है, मैं थोड़ा सा बता दूं। इसमें इंडिकेटर दिए रहते हैं, आपको कैसे मालूम चलेगा कि ये देखिए, आपको कब बोला जाए कि आपको आवाज अच्छी खासी आ रही है। थोड़ा सा आपको अगर ये बोला जाए कि थोड़ा सा फिर से मैं आपको सुना दूं, इंडिकेशन दिए रहते हैं, आप सोचेंगे कि वो क्या है। जैसे मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे प्रॉपर आउटपुट, अच्छा खासा आउटपुट आता है आपका। थोड़ा सा ये मैं कहूंगा कि डिस्ट्रैक्शन के कारण उतना अच्छा ये नहीं है, पर फिर भी अपने हिसाब से अच्छा है। आप 2014 से की पहले वाली गाड़ियों में ये यूएसबी टाइप लाते थे, अभी क्या है कि अब आता है यहाँ पे, तो आप कोई दिक्कत नहीं, आप उसको यहाँ पे भी लगा सकते हैं। पर हाँ, हमेशा ध्यान रखिएगा कि बच्चे बच्चे खींचे उचे ना, कि टूटने का डर रहे। बाकी बहुत सस्ता आता है, 200 रुपये में आता है, कहीं पर आपको और सस्ता भी मिल सकता है, कहीं पर आपको थोड़ा सा महंगा भी मिल सकता है, तो आप जनरली आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। बाकी अगर आपको समझ में आ गया होगा तो लाइक कर दीजिएगा। बस यही नॉर्मल सा था, बाकी इसको अच्छे से पैक कर दीजिएगा, क्योंकि ये हिडले डुले नहीं तो आपको दिक्कत हो सकती है। इनमें थोड़ी सी कम प्रॉब्लम आती है, जो यहाँ पे रहते हैं, आपको फ्रंट में दिखता रहता है, हिडले डुले बस नहीं, क्योंकि इनकी क्वालिटी थोड़ी सी चीप रहती है, मैं आपको साफ साफ बताऊँ। तो बस, आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब किया है तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, लाइक किया है आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सुधाकर द्विवेदी ऐसे ही बुलेरो से रिलेटेड वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। आपका वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।